नमस्कार दोस्तों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले सभी मित्रों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के पाठ्यक्रम में एक बार फिर परिवर्तन कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, 6 नवंबर 2019 को राजस्थान पुलिस वैकेंसी के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हुआ था और उसमें नए पाठ्यक्रम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई थी। लेकिन अब एक बार और इसमें परिवर्तन किया गया है, तो आइए देखते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है जो 19 नवंबर 2019 को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान जयपुर के ऑफिस से जारी किया गया है। इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण ये परिवर्तन किया गया है कि रिटर्न टेस्ट का पहले पाठ्यक्रम 150 प्रश्न का था, उसमें टोटल 3 फेज थे, लेकिन अब एक और फेज इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ये फेज होगा नॉलेज अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजंस और रूल्स रिलेटिंग टू इट। तो दोस्तों, इसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध में अपराधों के संबंध में क्या लीगल प्रोविजन है, क्या रूल है, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न टोटल 5 नंबर के होंगे और कुल 10 प्रश्न होंगे। और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो हमें कहाँ मिलेगा, तो ये राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो है दोस्तों इसके सिलेबस में मेन चेंजिंग। इससे पहले 6 नवम्बर को ये पूरा का पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया था, तो इसमें किस प्रकार का सिलेबस था, तो उसमें रीजनिंग, लॉजिक एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो 60 नंबरों का था और 30 मार्क्स यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का 1/2 मार्क्स दिया जाएगा। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स 45 क्वेश्चन होंगे और 22.5 मार्क्स होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक, कल्चर एंड आर्ट्स ऑफ राजस्थान, इसमें 45 क्वेश्चन होंगे और 22.5 मार्क्स होंगे। ये तो है दोस्तों 6 नवंबर वाला पुराना सिलेबस, लेकिन अब जो नया सिलेबस रहेगा वो रहेगा ये 4 फेज होंगे, जिसमें पहला रीजनिंग और कंप्यूटर का, दूसरा जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का, तीसरा महिला और बाल अपराध के संबंध में जो लीगल प्रोविजन और रूल्स है उनसे रिलेटेड होगा, और चौथा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो पूरा का पूरा रिटर्न पेपर होगा ये 75 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा और इसमें 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे की होगी। तो ये पूरा का पूरा राजस्थान पुलिस का नया पाठ्यक्रम है। इसी के साथ में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी कब आने वाली है इसके संबंध में भी गृह विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये है राजस्थान सरकार गृह विभाग का पत्र। ये पत्र महानिरीक्षक पुलिस भर्ती राजस्थान जयपुर को भेजा गया है और इसमें ये बताया गया है कि वर्तमान में कांस्टेबल की भर्ती पर निकाय चुनाव 2019 की आचार संहिता प्रभावी नहीं होती है। ये पत्र महानिरीक्षक पुलिस भर्ती 2019 ने गृह विभाग को पहले भेजा था और पूछा था कि 2019 का जो निकाय चुनाव है और इसमें आचार संहिता लगी हुई है, तो हम किस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन है वो जारी करें, तो इस संबंध में आप स्पष्टीकरण दें। तो ये स्पष्टीकरण अब गृह विभाग ने दे दिया है और अब कभी भी राजस्थान पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। साथ ही राजस्थान पटवारी की भी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, इस संबंध में भी राजस्थान सरकार ने अपने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। तो दोस्तों अब भर्ती का दौर पुनः शुरू हो गया है, तो 2020 में ये सभी परीक्षाएं होने वाली है, तो आप अब से ही अपनी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम प्रतिदिन राजस्थान जीके से संबंधित विस्तृत व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड करते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार।